कंडीशंस के बिहाफ पे आप अपने डेटा को फॉर्मेट करना चाहते हो या हाईलाइट करना चाहते हो, दैट कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। राइट, मतलब कि जो मेरा डेटा है उस डेटा को हमें हाईलाइट करना है। हाईलाइट क्यों करना चाहते हैं? हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि जो है कोई भी पर्सन इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी आपने डेटा देखा, इसमें आपको 63,000 जो है जो सैलरी है आपको अचानक दिख गया, आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको गौर करने की जरूरत नहीं पड़ी, अचानक आंखों के सामने आ गया। क्यों? क्योंकि ये हाईलाइटेड, राइट, ये आपका हाईलाइटेड। तो जो हाईलाइटेड है डेटा होता है, उस हाईलाइटेड डेटा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट, तो आप जब रिपोर्ट्स बनाते हो और कोई रिपोर्ट्स कोई इंफॉर्मेशन आप अपने टीम को देते हो, राइट, आप अपने टीम को देते हो, तो आप चाहते हो कि मेरा टीम को मैं जो चीज दिखाना चाहता हूं, चाहता हूं भाई ये पहले देखे उसको देखे, इसलिए। या बहुत सारे केसेस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम वही आपको, तो इसके बेसिक जो हाइलाइट्स थे जैसे कि ग्रेटर देन लेस देन पे हाईलाइट करना, हम लास्ट क्लासेस में इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेटर देन लेस देन बिटवीन इक्वल टू टेक्स्ट कंटेंट पे जो हाइलाइट्स होते हैं, टॉप बॉटम पे होते हैं, या हम डेटा बार बनाते हैं, इनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। राइट, लेकिन इसमें कुछ एडवांस फीचर्स है, जो बेसिक फीचर्स थी वो हमने कवर कर लिया है। अब इसके कुछ एडवांस फीचर्स हैं, वो एडवांस फीचर्स हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। 2 मिनट दीजिएगा, एक जिग्नेश जी हैं, शायद उनको मैं नहीं भेज रहा है कुबेर से, तो चलिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक डेटा है, मैं एक डेटा उठाता हूं, इसमें नेम है, और मैं इसको एक अलग शीट पे ले जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्कोर लिख देता हूँ अपना। और स्कोर में मैं यहाँ पे रैन बिटवीन का एक फॉर्मूला होता है जो कि रैंडम नंबर निकालने का काम आता है, ठीक है। तो हमने यहां पे दिया कि रैन बिटवीन में 10 to 90, 10 से 90 के बीच में कोई भी एक नंबर दे देगा, और मैं इसको नीचे ड्रैग कर दूंगा तो रैंडम हो जाएगा। तो ये सैंपल डेटा वगैरह बनाने का काम आता है रैन बिटवीन, या ओटीपी वगैरह टाइप का कुछ अगर करना हो। उसका इस्तेमाल होता है। अब प्रॉब्लम है कि मुझे इसमें क्या करना है, कि मुझे यहाँ पे इस तरह शो करना है कि जो ग्रेटर देन 60 है उसको मुझे यहाँ पे पास होना चाहिए, जो 40 to 60 है उसको हम रीटेस्ट देना चाहते हैं, रीटेस्ट का इंडिकेट करना चाहते हैं, और लेस देन 40 को हम फेल करना चाहते हैं। राइट, फेल करना चाहते हो। अब प्रॉब्लम है कि इसके लिए मुझे इफ फॉर्मूला वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा,
अब ये फॉर्मूले वगैरह हमें हम नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लगाना में फॉर्मूले वगैरह में दिक्कत होता है, तो हम फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो उस केस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमारे पास आइकन्स होता है। देखिए इस तरह का आइकन, जैसे कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि जैसे यहाँ पे क्वार्टर वन की सेल है एंड क्वार्टर टू की सेल है। क्वार्टर वन में मान लो 50 है, क्वार्टर टू में 55 है। अब मुझे कौन से सेल में ज्यादा, कौन से सिटी में ज्यादा हुआ है, कौन से सिटी में कम हुआ है, इसके लिए इंडिकेटर चाहिए होगा। क्योंकि ये तो छोटा अमाउंट है, 50-55 तो आप दिमाग से कम बेसी कर सकते हो। लेकिन जहां पे करोड़ों का जो होगा वो तो उसमें तो दिक्कत हो जाएगी आपको। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास आइकन्स होते हैं, आइकन लगा देते हैं। तो आइकन लगाने का फायदा क्या होता है कि जो अप एरो है वो इंडिकेट करता है कि भाई ये ज्यादा है, और जो डाउन एरो हो वो इंडिकेट करता है कम है। लेकिन इसी में अगर आप जाके देखेंगे तो आइकन सेट में ये आपका क्रॉस का निशान है, एक्सप्रेशन मार्क है और टिक मार्क्स है, राइट? तो अगर इसमें इस्तेमाल करें और हम बोलें कि भैया जो टिक मार्क है इट मींस पास, जो एक्सप्रेशन मार्क है इसमें रीटेस्ट, और जो फेल है इट मींस क्रॉस। और मैं यहां पे क्या किया, यहां पे लिख देता हूं 3 2 1 उल्टे स्वर में, और हम इसको सिलेक्ट करके यहां पे ये आइकन सेट इस्तेमाल कर देते हैं। तो इससे हम कर सकते हैं, बंदा देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने यहां से आइकन का लगा तो दिया यहां से आइकन सेट, लेकिन ये जो आइकन सेट है ये रिलेट नहीं करती है मेरे इस कंडीशन से। एक्चुअली क्या पता है कि क्या कंडीशंस है, इस कंडीशन से रिलेट नहीं करती। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहां मैनेज रूल्स में जाएंगे। और मैनेज रूल्स में इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, यहां पे इसके कंडीशंस लगे हैं। तो किसी भी आपके कंडीशन फॉर्मेटिंग जो आपने लगा रखा है उसको चेंज करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए परसेंटेज है, तो यहां पे हम नंबर देते हैं और यहां पे भी नंबर देते हैं, और यहां पे बोलते हैं 60, 60 से ऊपर हुआ तो ए दिखेगा, और यहां देते हैं 40, 40 टू 60 के ऊपर में ए आइकन दिखेगा, एंड ले यहां पे 40 से नीचे जो होगा 40 से नीचे पे हमें शो करेगा इस क्रॉस को, एंड ओके कीजिए एंड अप्लाई, ये आपका दिख गया। इसी तरह का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जैसे कि इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि मैं यहां पे अपना मोबाइल नंबर लिखना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मोबाइल नंबर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन डुप्लीकेट ना लिखे, मोबाइल नंबर कोई भी पर्सन डुप्लीकेट ना लिखे। तो उस केस में हम सिलेक्ट करते हैं और यहां पे हम हाईलाइट में डुप्लीकेट लगा के ओके कर देते हैं, राइट? अब यहां पे मैं कोई नंबर लिखा है 8802579388, एंटर मारा तो ये आपका दिख गया। अगर मैं इस कॉलम में इसी नंबर को मैं दोबारा कहीं भी लिखूंगा तो ये हमारा हाईलाइट। लेकिन मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर ये हाईलाइट हमें करना है सेकेंड नंबर, क्योंकि अगर मान लीजिए कि तीन नंबर को मैं इकट्ठा लिख दिया तो तीनों हाईलाइट हो रहे हैं, तो यहां पे मुझे एक को छोड़ना है
और बाकी दो को डिलीट या कॉपी या कुछ ऐसी चीजें करनी है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये दो डुप्लीकेट है, एक तो बचा हुआ है। तो मतलब कि मुझे इसको हाईलाइट नहीं करना है, बाकी को हाईलाइट करना है। तो उस केस में कैसे करेंगे? तो ये मोबाइल नंबर पे नहीं, मैं इसको अकाउंट नंबर पे समझाता हूँ, फिर मोबाइल नंबर पे समझाऊंगा कि बहुत सारे अकाउंट्स नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि रिपीटेड। तो मैं क्या करना चाहता हूं कि मुझे सबसे पहले काउंट निकालना होगा कि ये पहला वन है, ये दूसरा वन है, ये तीसरा वन है, इस तरह से। ऐसे पहला टू है, ऐसे ये आपका दूसरा टू है, और ऐसे कोई अगर मान लो कि दो और लिखा गया तो तीसरा टू है, अगर मान लो कि वन फिर से आ गया तो चौथा वन है। ऐसे सीक्वेंस चाहिए। तो कैसे होगा? तो इसके लिए हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला है। काउंट इफ क्या करता है कि एक पूरे कॉलन में ये बताएगा कि वन कितना बार रिपीटेड है। तो किसी एक सिलेक्टेड रेंज में कोई सेल वैल्यू कितनी बार रिपीटेड है, ये चीज आपको बताता है काउंट इफ का फॉर्मूला। लेकिन प्रॉब्लम है कि काउंट इफ अगर हम इस मेथड से लगाते हैं तो देखिए यहां भी चार है और यहां भी चार है और यहां भी चार है। ऐसे यहां भी यहां वन होना चाहिए, यहां पे टू होना चाहिए, यहां पे थ्री होना चाहिए और यहां पे फोर होना चाहिए। लेकिन काउंट इफ इस मेथड से लगाने से दिक्कत होता है, तो हमें मेथड चेंज करना होगा। हम लगाएंगे काउंट इफ ही, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम B2 से B3 कॉमा B2 लेंगे। अब यहां पे हम पहले वाले B2 को डॉलर से फ्रीज कर देंगे। डॉलर से फ्रीज करने का कंसेप्ट इसलिए देते हैं ताकि जैसे कि अगर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया B2 है, नीचे करेंगे तो B3 हो जाएगा। लेकिन इसी को अगर हम इसके आगे अगर डॉलर लगा देते हैं तो पूरे पूरे कॉलम में B2 ही रहेगा। तो सेम मेथड हमने यहां किया, पहले वाले B2 को हमने फ्रीज कर दिया। हाँ के सालम जी, हाँ सर, ठीक है, बोलिए सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, डायरी बताता हूँ। ठीक। तो इसमें देखिए आ गया ना वन, क्योंकि ए देखा, ए सिर्फ इसको काउंट किया, ए जो है जहां पे हमारा फॉर्मूला लगा है वो अपने से ऊपर वाले पे काउंट करता है। अब बोलेंगे हम फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जो मैं चाह रहा हूं उसके लिए यहां पे कोई कंडीशंस है ही नहीं। तो यहां पे मुझे खुद की कंडीशन चाहिए, तो हमें खुद की कंडीशंस के लिए यहां पे न्यू रूल्स में जाके फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्मूला? जो फॉर्मूला हमने यहां पे काउंट पे लगाया है। आगे चल के जब मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगा तो इसको विस्तार पूर्वक बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि ऐसी चीजें हो सकती है। तो काउंट इफ लगा दिया और फिर हमने फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेटिंग में जाके कि भाई ए कलर होना चाहिए, और हमने इक्वल टू वन दे दिया कि काउंट इफ का रिजल्ट इक्वल टू, मैं माफ कीजिएगा, नॉट इक्वल टू, नहीं, ग्रेटर देन वन कर देता हूं, कि काउंट इफ का रिजल्ट ग्रेटर देन वन है तभी कलर करें, ग्रेटर देन वन नहीं, वन है तो कलर ना करें। ओके, अब फिर फॉर्मेट पेंटर से ये चीज हम नीचे की तरफ पेंट कर देते। तो इसमें क्या हुआ कि जो नंबर फर्स्ट टाइम था वो आपका हाईलाइट हुआ, नहीं हुआ, जो नंबर फर्स्ट मन नहीं था वो हाईलाइट हुआ। ठीक है,
उसी तरह से अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे इस कॉलम में अमाउंट लिख रहा हूं और अमाउंट में मैं चाहता हूं कि कोई भी टैक्स ना लिखे। जैसे कोई टैक्स लिखे तो वो क्या हो जाए, हाईलाइट हो जाए, ताकि पता चले कि हाँ टेक्स्ट लिखा गया है इसमें। तो उसके लिए अब एक चीज पता करना पड़ेगा कि किसी सेल में टेक्स्ट लिखा है या नंबर लिखा है, हाउ कैन आइडेंटिफाई। तो उस केस में यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला इज टेक्स्ट। एक एक्सेल में हमारे पास इज टेक्स्ट नाम का फॉर्मूला है, उसको सिलेक्ट करके लगाने पे रिजल्ट जो है ट्रू एंड फॉल्स आता है। अगर इसमें नंबर आया तो फॉल्स और टेक्स्ट लिख दिए तो ट्रू। तो ऐसे ही यहां पे हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो सिंगल सेल सिलेक्ट करें, पूरा कॉलम सिलेक्ट ना करें। और यहां पे इज टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और ट्रू एंड फॉल्स देने की जरूरत नहीं है, और डॉलर साइन हटा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। और हमने इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया एंड ओके, ये आपका आ गया। अब जैसे यहां पे नंबर तो ठीक है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखेगा तो हाईलाइट हो जाएगा। ऐसे एक चीज और भी है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपना अटेंडेंस बना रहा हूं, अटेंडेंस शीट बना रहा हूं, और यहां पे मैंने फरवरी के डेट दिए हुए हैं, और फरवरी का डेट दिया है तो मुझे उसका डे भी चाहिए, संडे मंडे ट्यूजडे क्या है। तो उस केस के लिए हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे टेक्स्ट का, इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसमें हम जो कस्टम कमांडिंग का मेथड बताया था उस मेथड को अप्लाई करेंगे, ताकि 3 बार डीडी लिखेंगे इन द इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंटर मारेंगे। तो जो इन्वर्टेड कॉमा में हमने 3 बार डीडी लिखा तो वो शॉर्ट में संडे मंडे ट्यूजडे आपको दे देगा शॉर्ट में। अब इसी को हम आगे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो बाकी डेट्स के भी सैटरडे संडे मिल जाएंगे यहाँ। अब एक और प्रॉब्लम आ गई है, इसमें पूरा महीना कर देता हूं मैं। अब यहां पे एक तो प्रॉब्लम ये थी, एक प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि अगर हमने फरवरी बना लिया, अब नेक्स्ट टाइम फरवरी हो गया, नेक्स्ट टाइम मार्च के लिए तो फिर मुझे वापस डेट को ड्रैग करना पड़ेगा। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका डेट का सीक्वेंस है और अगली बार इसको चेंज करना पड़ सकता है, तो आप जो है नॉर्मल लिख के ड्रैग ना करें, आप इक्वल करें, अगली वाली सेल को सिलेक्ट करें एंड +1 करें, फिर इसको कॉपी करके आगे की तरफ पेस्ट करें या फिर ड्रैग करें। इसका बेनिफिट क्या होगा कि अगला महीना अगर मार्च का आपका बनाना है तो यहां पे मार्च की फर्स्ट डेट लिखेंगे, बाकी सब अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब इसमें क्या करना है कि जो सैटरडे एंड संडे है वो हमारा वीकेंड है, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। तो अब प्रॉब्लम आ गई कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सैटरडे एंड संडे दो कंडीशंस है, तो अगर आपको दो कंडीशंस डालने पड़े, या ध्यान रखिएगा एक चीज का कि अगर आपको दो कंडीशंस डालने पड़े तो आप एंड या फिर और का इस्तेमाल करेंगे। और कब इस्तेमाल करेंगे, जब ऑप्शनल हो, जैसे कि यहां पे खाए तो सैटरडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है, सैटरडे एंड संडे दोनों एक सेल में नहीं हो सकते। तो यहां पे हम लगाएंगे फॉर्मूला और का, कि और ब्रैकेट में हमने इसको सिलेक्ट किया,
इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में सैटरडे कॉमा अगेन हमने इसको सिलेक्ट किया और इक्वल टू संडे। और हम नीचे ड्रैग करेंगे तो अभी देखिए क्या है कि हमारा ये रो फिक्स है भाई, चौथे नंबर रो पे भी हमारा डेटा है बट कॉलन हमारा फिक्स नहीं है कि डी भी है ई भी है एफ ही है। तो यहां पे डॉलर जो हम रिमूव करेंगे वो कॉलन का आगे का रिमूव करेंगे ताकि जब आगे ड्रैग करें तो डी ई बन जाए, लेकिन जब नीचे ड्रैग करें तो फोर जो है फिक्स रहे। फिर हम फॉर्मेट पे जाते हैं, इसको सिलेक्ट करके ओके करते हैं, देन ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर से हम पेंट कर देते हैं। तो देखिए आपका हाईलाइट हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर मार्च का डेट डालोगे और जैसे ही एंटर मारोगे ये आपका पूरा चेंज हो जाएगा। या फरवरी का डेट डाल इसका अप्रैल का डालोगे तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा के ऑटोमेशन करने का और कंडीशन फॉर्मेटिंग के जरिए ऑटोमेशन करने का पर्पस यही होता है कि एक बार आपने कंडीशंस लगाने में मेहनत कर दी, नेक्स्ट टाइम जैसे आप उसको चेंज करोगे ये अपने आप को चेंज कर लेता है। एक बेनिफिट ये हमारा होता है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं क्योंकि तो ये लाइव क्लास है। सर हाँ पूछिए। हाँ जैसे कि संडे और सैटरडे में आपने हाईलाइट करा दिया कलर, तो क्या कोई पर्टिकुलर लेटर भी ऑटोमेटिक आ सकता है? हाँ लेटर मतलब लेटर लाइक अगर एच ई लिखना है, हॉलीडे लिखनी है हमें इस पे, तो क्या वो भी ऑटोमेटिक आ सकता है इस पे? माने कि टाइप करवाना चाहते हो कि टाइप के वो ऑटोमेटिक आ जाए, यस सर। तो टाइप क्या ऑटोमेटिक आएगा वो फॉर्मूला से ना, क्योंकि फॉर्मेटिंग तो जस्ट फॉर्मेट करता है ना, हाँ लेकिन हाँ हाँ ठीक है ठीक है उसके लिए तो कोई फॉर्मूला दाग लगाना पड़ेगा, तो ठीक है ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे हम कर देंगे। अभी तो जी जी बता रहे हैं कि कंडीशन फॉर्मेटिंग में फॉर्मूला का इस्तेमाल आप कैसे करें, और फॉर्मूला का इस्तेमाल हमेशा न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास डेटा ही है और मैं डेटा में चाहता हूं कि सैलरी बोनस एंड ओवरटाइम, या मान लीजिए कि ओवरटाइम जिसका ओवरटाइम ग्रेटर देन 3000 है उसका पूरा रो हाईलाइट हो जाए। ठीक है, अभी मैं एक कंडीशंस के अकॉर्डिंग, एक सेल की कंडीशंस के अकॉर्डिंग पूरा रो को, मैं यहां तक की डेटा को हाईलाइट करना चाहता हूं। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि आप अपने डेटा को सिलेक्ट करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाए, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और यहां पे दें कि यहां पे कि इक्वल इसको सिलेक्ट कर दें और दें कि ग्रेटर देन 2500 और इस पे हम डॉलर हटा देते हैं और हमने इसको फॉर्मेट कर दिया, देन ओके। अभी यहां पे फॉर्मेटिंग अप्लाई है और अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये कलर नहीं हुआ है, क्योंकि ये नहीं मैच किया, मैं डाल दिया तो मैच किया एक ही हुआ, लेकिन मुझे इसका पूरा एक डेटा करना है। तो उस केस में आप क्या करें, फॉर्मेट पेंटर से ले और जितना एरिया पे आपका डेटा है पूरे एरिया पे उसको फॉर्मेट करें। हो गया, तो अब जैसे कि मान लीजिए कि कमी का तो हाईलाइटिंग हट जाएगी। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हम करते हैं। किसने कुछ पूछा? सर एक बार दोबारा बता दीजिए प्लीज। हाँ दोबारा देख लीजिए। देखिए पहले आप कंडीशन डिसाइड कीजिए, कंडीशन डिसाइड किए कि भी इसके अकॉर्डिंग अगर 5000 से ऊपर है तो पूरा हमारा डेटा हाईलाइट होना चाहिए। तो बेसिकली हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और फॉर्मूला लगा रहे हैं तो जब हम ड्रैग करें तो ये उसके अकॉर्डिंग हो, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करके डायरेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि सारा डेटा इसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ए रो हाईलाइट हो इसके अकॉर्डिंग, दूसरा रो इसके अकॉर्डिंग, तीसरा रो इसके अकॉर्डिंग, इसलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं।
फॉर्मूला लगाने का रूल है कि एक सिंगल सेल सिलेक्ट करें ताकि हम ड्रैग करें तो हमारा फॉर्मूला इंक्रीज हो, जैसे ए टू बी टू सी टू एच टू इस तरह से इंक्रीज होता जाए। तो हम जाएंगे न्यू रूल्स के यूज फॉर्मूला में और यहां पे हमने बोला कि यहां सेलेक्ट करके कि अगर ए ग्रेटर देन जो हमारा कंडीशंस है, हमने कंडीशंस को डाल दिया। कंडीशन डालने के बाद आपने देखा ई टू और ई टू में लगा हुआ है डॉलर साइन, मतलब कि ए एब्सोल्यूट रेफरेंस है, फ्रीज है। मतलब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो जो ई टू है हमारा उस ई टू के अकॉर्डिंग ही हमारा पूरा का पूरा डेटा हाईलाइट होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई नीचे जो है ये जो ए थ्री के हाईलाइटिंग हो वो ये ई थ्री के अकॉर्डिंग हो, तो उसके लिए हम डॉलर साइन को यहां से हटा देते हैं। ठीक है, डॉलर साइन को हटा देते हैं। तो डॉलर साइन क्यों हटाते हैं समझ में आ गया? फिर हम फॉर्मेट पे जाएंगे और हम अपनी जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो फॉर्मेटिंग यहां से करके ओके कर दीजिए। ओके होने के बाद अभी क्या है कि अभी जो कंडीशन अप्लाई हुआ है वो सिंगल सेल पे अप्लाई हुआ है ना। अब ये फॉर्मेट पे एंटर क्या करता है कि जो सेल, जिस जो सेल आपका सिलेक्टेड है उस सेल का फॉर्मेटिंग को बाकी अदर सेल पे अप्लाई करता है। तो इसको सिलेक्ट करें और ओके करें। तो देखिए आपकी फॉर्मेटिंग लग गई और सारे अप्लाई हो गया। राइट, आगे समझ में? एवर अब इसमें एक चीज और होती है, जैसे कि मैं मोबाइल नंबर बता रहा था तो मोबाइल नंबर में आपने डुप्लीकेट को हाईलाइट करना तो सीख गया कि अगर नंबर मोर देन वन टाइम है तो हाईलाइट हो जाता है, राइट? लेकिन मैं चाहता हूं कि अब यहां पे कि जो डिजिट है वो 10 डिजिट होना चाहिए। अगर किसी ने 10 डिजिट से कम या ज्यादा लिखा तो वो हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, यहां पे देखिए 10 डिजिट से कम या ज्यादा कोई लिखे तो हाईलाइट होना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास एक फॉर्मूला होता है लेन का। लेन फॉर्मूला क्या करता है? लेन फॉर्मूला करता है कि लेंथ निकालता है। ये बताता है कि आपकी जो सेल है इस सेल में कितना लेंथ है, तो 10 है। अगर कम होगा तो कम बताएगा। तो यहां पे मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में लगाया न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला और यहां पे बोला कि इक्वल लेन और हमने इसको सिलेक्ट कर दिया और यहां पे नॉट इक्वल टू मतलब कि लेन फॉर्मूला का रिजल्ट नॉट इक्वल टू 10 होना चाहिए। नॉट इक्वल टू 10 कब आएगा? जब इसमें 10 डिजिट से ज्यादा या 10 डिजिट से कम होगा। और डॉलर साइन हम हटा देते एंड फॉर्मेट कर दिया एंड ओके। फिर फॉर्मेट पेंटेसिस मैंने पेंट किया तो प्रॉब्लम हुआ कि जो ब्लैंक सेल थे वो भी हाईलाइट हो गए। तो ब्लैंक सेल हाईलाइट क्यों हुए? क्योंकि ब्लैंक सेल पे जब लेन का फॉर्मूला लगा तो रिजल्ट आया 0 और आपका 0 भी नॉट इक्वल टू 10 होता है, तो इसलिए यहां पे भी कलर हुआ। तो यहां पे मुझे दो कंडीशन अप्लाई करना है।
पहला कंडीशन होना चाहिए कि ग्रेटर देन जीरो लेन की रिजल्ट जीरो से बड़ा और नॉट इक्वल टू 10। तो मैंने क्या किया, इस पे कर्सर रखा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, मैनेज रूल पे गया, जो रूल थे इस पे डबल क्लिक किया तो इसका एडिट मोड में आ गया। अब इसको हम एंड फॉर्मा लगाएंगे, क्योंकि तो मैंने बताया था कि मोर देन वन कंडीशन में हम और या एंड लगाते हैं। तो और कब लगाते हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शन हो और दोनों ऑप्शनल हो, क्योंकि एक ही होगा दोनों नहीं होगा। तो लेकिन यहां पे क्या है कि रिक्वायर्ड है कि दोनों कंडीशंस तो होंगे ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड कंडीशंस है, तो इसमें हम एंड का इस्तेमाल करेंगे। तो एंड लेन की रिजल्ट नॉट इक्वल टू 10 कॉमा, अगेन हमने दिया कि लेन, और इसको सिलेक्ट कर लिया और बोला इज ग्रेटर देन जीरो, कि कोई टेक्स्ट उस पर लिखा होना चाहिए। तीस तरह की चीजें आप अप्लाई करके अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यूज कर सकते हैं। इसको अप्लाई कीजिए तो आपका जो ब्लैंक हाईलाइटेड है वो हट जाएगा। अब मैं यहां पे अगर डिजिट कम लिखूंगा तो हाईलाइट होगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी बहुत एग्जांपल हो सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी फॉर्मूले की क्लास खत्म नहीं की। कभी हमारे दो तीन क्लासेस हुई है जिसमें हमने बेसिक फॉर्मेटिंग्स वगैरह के बारे में पढ़ा। तो ये चीजें मैंने इसलिए बताया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि फॉर्मूला कैसे लगाना है। जब हम फॉर्मूला को पढ़ेंगे तो आपको फिर एक और एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हम क्लास लेंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से इसके फॉर्मूलेज को लगाया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता हूं मेल पे, ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और रिकॉर्डिंग भी जो है हम आपको थोड़ी देर में भेज देंगे। ठीक है, सर रिकॉर्डिंग किस पर आएगी? रिकॉर्डिंग मेघा में डाल दूंगा आपके लिए, बाकी लोग भी ज्वाइन किए हैं तो मैं उनको दे दूंगा, इस पे यूट्यूब पे दे दूंगा, तो आप भी यूट्यूब पे ले सकते हैं। ठीक है, फाइन सर, फाइन। ठीक है, तो मिलते हैं कल। बाकी कोई दिक्कत या कुछ चर्चा करना होगा तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं।